हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए मई 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। कल सुबह सभी के लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। और यहाँ मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट टैरो डेक से स्टार्ट करें अगर आपके लिए, तो यहाँ कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। तो ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ, यानी कर्क मीन और वृश्चिक राशि के आपके पार्टनर या पर्सन हो सकते हैं। और जो सिंगल हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है कि इस तरह के कोई पर्सन हो सकते हैं जो इन राशियों के हों, और वो आपको कब ऑफर कर रहे हैं अपना प्यार, अपनी मोहब्बत आपके लिए लेकर आ रहे हैं किसी तरह से। और ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, बहुत इमोशनल ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत डिसेंट हैं और बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं। सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर, यूट्यूबर, ब्लॉगर हो सकते हैं और बहुत क्रिएटिविटी है इनमें। इस तरह के पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज वाले पर्सन हैं और बहुत इमोशंस हैं इनके अंदर, आपको लेकर डीप इमोशंस हैं। ये हो सकता है कि किसी पर्सन के आप क्रश हों तो वो आपको अपनी भावनाएं बताएं, स्पेशली मई के मंथ में ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप में से कुछ टॉरस जो हैं वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, यानी आपके पार्टनर जो हैं वो या पर्सन जो हैं वो आपके पर्सन जो हैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं। और ये एज के को भी दिखाता है कार्ड। तो कुछ टॉरस ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मेच्योर माइंडेड हैं और यहाँ वो आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह देख रहे हैं, अपनी लग्जरी, अपनी कह सकते हैं स्टेबिलिटी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और आपको एक मजबूत सहारे की तरह देख रहे हैं। बहुत पैशन है इनको आपको लेकर, इस तरह की एनर्जीज भी कुछ टॉरस के लिए दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं और कुछ लोग हो सकते हैं स्पेशली मई के मंथ में। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्स का। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो ऐसे पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं स्पेशली मई के मंथ में जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो। और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ऐसा हो सकता है। और ये काफ़ी लविंग, केयरिंग, क्यूट, स्वीट पर्सनैलिटी के पर्सन होंगे और फर्स्ट आपकी फ्रेंडशिप ही होगी इनके साथ। और ये बहुत सपोर्ट देते हैं अपने फ्रेंड्स को, इस तरह के बहुत केयरिंग पर्सन हो सकते हैं और बहुत पैशनेट हैं ये लाइफ में और बहुत अचीवर हैं। बहुत इनका कह सकते हैं सक्सेसफुल करियर हो सकता है जो आपसे जुड़े हैं स्पेशली आपके लिए मई के मंथ में। इस तरह के कोई पर्सन आ रहे हैं। और यहाँ आपके लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स का। तो ऐसा लग रहा है टॉरस, आप अगर इस मंथ के लिए देखें, मई मंथ के लिए, तो आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होगी, यानी एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें या बहुत सारे प्रपोजल आपके लिए एक साथ आने वाले हैं। और शायद आप थोड़ा सोच में पड़ें कि आप किसे चुनें, किसे रिजेक्ट करें, ऐसी भी एनर्जीज है। और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आपको चॉइसेस करने के लिए कहता है, तो आपको कोई ना कोई चॉइस ज़रूर बनानी पड़ेगी स्पेशली मई के मंथ में। लव लाइफ से रिलेटेड एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ बहुत सारे कफ ऑफर हो रहे हैं और चॉइस आपको यूनिवर्स देगा कि आप किसे चुने, किसे ना चुने, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ। तो एक से ज़्यादा मैरिज प्रपोजल, एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें, लव प्रपोजल, बहुत लोगों की तरफ से आपके लिए इमोशनल लव यहाँ दिख रहा है, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए है। और यहाँ कार्ड आया है द सन का। तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है टॉरस, अगर आप किसी ऑन ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे थे या नो कांटेक्ट है आपका या अभी आप रिसेंटली सेपरेट हुए हैं किसी के साथ, तो वो सब नेगेटिविटी आपके लिए ख़त्म होने वाली है मई के मंथ में। सन हर तरह से पॉजिटिविटी को दिखाने वाला कार्ड है, ब्राइटनेस को दिखाता है। तो जितना भी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में अभी तक रहा है वो काफ़ी हद तक आप उसमें रिलीफ महसूस करेंगे। और ये कार्ड बेबी बर्थ का कार्ड भी माना जाता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बेबी बर्थ का गुड न्यूज़ आ सकता है और साथ ही में एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आ सकती है स्पेशली मई के मंथ में। और यहाँ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, तो हर सेक्टर में आप ग्रो करेंगे टॉरस। बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है मई का मंथ। और यहाँ
आपके लिए ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं जो सिंगल हैं, टॉरस उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब पे हों, बहुत लीडरशिप स्किल्स रखते हैं, सन की तरह ब्राइट और सनी हैं, इन्हें आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस तरह के पर्सन का मैरिज प्रपोजल आ सकता है या इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। और ये पर्सन बहुत कह सकते हैं ब्राइट और सनी पर्सनैलिटी के होंगे, लियो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स का, तो डेफिनेटली कोई लव प्रपोजल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, एक रोमांटिक प्रपोजल आपके लिए कोई आ रहा है, और गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ऐसा हो सकता है। और ये काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होंगे और इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत होने वाला है, और ये इमोशनल हो सकते हैं थोड़े। और नाइट ऑफ कप्स और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स, तो कप्स एनर्जी बता रही है कि कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो हो सकता है मई के मंथ में वो आपके सामने अपना प्यार शो करे और अपने डीप इमोशंस, गहरा सच्चा प्यार आपको कह सकते हैं बताए जताएं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे, काफ़ी डीप इमोशनली अटैच्ड वो आपके साथ फील करेंगे और बहुत गहरा बॉन्ड आप उनके साथ शेयर करेंगे, बहुत दिल से दिल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपका, चाहे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं टैरो डेक से, और यहाँ फेरी टैरो डेक से कार्ड आया है द ड्रीमर का, और जो मैसेज है एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगन ए न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ। ये आपको कहा गया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम ज़रूर करें और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, इस आपके लिए एक नई यात्रा शुरू हो सकती है लाइफ में, एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आई है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ ऑटमन, कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, करिश्मेटिक और गिफ्टेड, इस तरह के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं। और जो मैसेज है बी असर्टिव व्हेन इट्स कम टू व्हाट यू वांट, व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, ए गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। जी बहुत ही सपोर्टिव पर्सन आपको मिलने वाले हैं मई के मंथ में, इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, और ये बहुत गिफ्टेड हैं, बहुत करिश्मेटिक हैं ये पर्सन, और इनसे आपका मिलना हो सकता है। और ये ऑटमन सीजन में इनका बर्थडे मंथ आता हो, इस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये होने वाले हैं, और वहीं बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले, समझदार वाइज पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है प्रिंस ऑफ समर भी आपके लिए आ सकते हैं, प्रिंस और प्रिंसेस, रोमांटिक, कैप्टिवेटिंग, ड्रामेटिक और फ्लर्टरियस। जी थोड़े से रोमांटिक हो सकते हैं ये, शुरू में आपसे फ्लर्ट करें और थोड़े से दिखावा पसंद ही हो सकते हैं, पर ये दिल से सच्चे इंसान हैं जो आपसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ जो मैसेज है फॉलिंग इन लव सडनली, बींग स्वेट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग ए वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। जी ये पर्सन जो है वो बहुत लविंग होने वाले हैं, रोमांटिक होने वाले हैं, और आपको बहुत स्पेशल और पैम्पर्ड फील करवाने वाले हैं, इस तरह के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन या पार्टनर भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे, बहुत केयरिंग और लविंग उनकी एनर्जीज यहाँ दिख रही है मई के मंथ को लेकर। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है नाइन ऑफ वॉटमन का कार्ड, रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बींग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। जी अब में से कुछ टॉरस जो हैं वो अकेले भी बहुत अच्छा सुकून से समय बिताने वाले हैं, कैरियर पे आपका पूरा फोकस रहेगा, बहुत स्किल्ड आप रहेंगे और सक्सेसफुली अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, या इवन आप स्टडीज़ भी करते हैं, तो बहुत अच्छा अपना टाइम आपका रहने वाला है मई के मंथ में, और बहुत ग्रोइंग आप रहेंगे किसी तरह से। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है प्रिंसेस ऑफ विंटर का, एंथुजियास्टिक, ट्रूथफुल, रियलिस्टिक, अनडिप्लोमेटिक, इस तरह के पर्सन भी आपसे जुड़ सकते हैं, और ये बहुत सच्चाई पसंद इंसान हो सकते हैं जो आपसे जुड़े, और बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगी अगर गर्ल होंगी, और बॉय होंगे तो ये बहुत हैंडसम होंगे। और वहीं जो मैसेज है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट टू हीयर, स्पीकिंग द ट्रूथ विद काइंडनेस एंड इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको लगे कि ये बहुत रियलिस्टिक है और साफ साफ अपनी बातें बोल देते हैं जो इनके दिल में होता है, इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन भी आपसे जुड़ सकते हैं या इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, पर ये काफ़ी कह सकते हैं सच्चाई पसंद इंसान आपसे जुड़े, इस तरह की भी यहाँ मैसेज और गाइडेंस आपके लिए आई है। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द चैरियट, तो ऐसा लग रहा है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं तो उनकी सिचुएशंस काफ़ी बेटर होने वाली है टॉरस, आपके लिए आपके पर्सन आप तक आ रहे हैं मूव करके। और यहाँ जो मैसेज है सक्सेस दैट कम फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बींग इन द स्पॉटलाइट। टॉरस आप बहुत स्पॉटलाइट में रहेंगे, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, और आपकी कह सकते हैं अगर ग्रोथ अभी तक रुकी हुई थी तो वो मूविंग आपकी स्टार्ट होगी, और ये भी है कि आपके लिए ट्रैवल
भी डेफिनेटली आ रहा है, तो आपके पर्सन आप तक ट्रैवल करके आए या आप उन तक जाएं, इस तरह की भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। और नंबर 7 है, तो आप डिवाइनली काफ़ी गाइडेड प्रोटेक्टेड हैं और काफ़ी कह सकते हैं आप ब्लेस्ड फील करेंगे टॉरस, ऐसा लग रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ से। और यहाँ अगर हम देखें तो कार्ड आया है न्यू विज़न का और शोजैन कार्ड से, तो आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा लाइफ को लेकर, एक न्यू विज़न आप पाने वाले हैं मई के मंथ में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पार्टिसिपेशन का, तो ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाले हैं और हर कदम पे अपने साथी का या अपने पार्टनर का साथ देने वाले हैं, इस तरह की आपकी एनर्जीज रहेगी। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एडवेंचर का, तो आप एक बच्चे की तरह काफ़ी एडवेंचरस वे में लाइफ को देखने वाले हैं और नए तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी लाइफ को, इस तरह की यहाँ आपके लिए एनर्जीज और गाइडेंस है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है गिल्ट का, तो आपके पार्टनर जो हैं वो अपने किए पे पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बहुत गिल्ट है। हो सकता है कुछ टॉरस के पार्टनर ने अभी तक बहुत ख़राब ट्रीटमेंट आपके साथ किया है, तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत गिल्ट में हैं, पछता रहे हैं, आपसे शायद सॉरी भी फील करें, क्योंकि नंबर 8 आया है तो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, इस तरह की एनर्जीज़ में वो रह सकते हैं। और यहाँ यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड से कार्ड आया है इनविजिबिलिटी का, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। जी, आपके लिए हो सकता है कि अभी तक आप असमंजस की स्थिति में हैं, नहीं सोच पा रहे कि क्या सही है, कैसे क्या होगा, और आगे अपनी लाइफ को लेकर कुछ प्लान नहीं कर पा रहे, तो वो सब भी आपके लिए ठीक हो सकता है। जो इनविजिबिलिटी है, असमंजस की स्थिति है, उससे आप बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, और ऐसा आपकी अपनी विजडम से हो सकता है, क्योंकि यहाँ वाइट ऑल है जो इस बात का प्रतीक है कि आप खुद बहुत समझदार और वाइस हैं, इसीलिए ये इनविजिबिलिटी या असमंजस की स्थिति से बहुत जल्द आप अपनी बुद्धिमानी से बाहर निकल सकते हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फ्लाइट का, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई। जी, अगर आप कोई काम करते हैं क्रिएटिव फील्ड से, तो आप बहुत सपनों को ऊंचा उड़ान देने का सही समय है ये मई का मंथ, तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए स्टेप्स जरूर लें आप, इस तरह की गाइडेंस है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ लव कंपैशन एंड विजडम। जी, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ से भी 43 नंबर है, 4 + 3 = 7 होता है, तो काफ़ी डिवाइनली गाइडेड और ब्लेस्ड आप रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। जी, आपकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आप अपने लिए देखेंगे टॉरस, और आपकी सच्चाई और ईमानदारी आपको बहुत कुछ दिलवाने वाली है, स्पेशली मई के मंथ में, ऐसा आपके लिए लग रहा है। वहीं हम देख रहे हैं जो सिंगल हैं टॉरस, उनके लिए जो पर्सन आ रहे हैं उनके इनिशियल्स और जॉडिक साइन क्या होंगे, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये भी हम देख रहे हैं। फर्स्ट उनके इनिशियल्स अगर हम देखें तो जेड नाम से हो सकता है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एस नाम से हो सकता है, टी बी के, ये उनके इनिशियल्स हैं। और जॉडिक साइन अगर हम देखें तो स्क्रॉपियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस के लिए टॉरस, वो भी वृषभ राशि के हों, एरीज हो सकते हैं मेष राशि के, कैंसर भी हो सकते हैं कर्क राशि के, और ये कौन ले रहे हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं यानी कुंभ राशि के। और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंथ में, लव मी और हेट मी बट प्लीज़ टॉक टू मी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या आप, चाहे आप उनसे प्यार करें या नफरत, पर उनसे बात करें। आई लव योर चार्म एंड करिश्मा एंड यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जी, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके चार्म और करिश्मा से बहुत प्रभावित हैं। आई मिस वैन वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वैन वी आर टुगेदर। जी, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और आपके पर्सन, बींग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल, आई मिस यू। जी, आपसे अलग होकर बहुत दुखी हैं आपके पर्सन, यू मेक मी फील लाइक आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड। जी, आप उन्हें बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, इस तरह का मैसेज है। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए हैप्पी मंथ टॉरस।